गौतम उग गया था पार्टी में जाने के लिए, मैंने उसको तैयार कर दिया था। तो जैसे ही वो अपने ये बाइक में बैठा, मेरा बाइक इसकी, जैसे ही इसमें बैठा तो इसका पैजामा फट गया। ये रहा गौतम, कैसा लगा? मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है हेमा एंड पंकज के व्लॉग्स में। तो गाइज, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी बसंत पंचमी। तो आज दोनों चीज़ एक साथ हैं। अभी गौतम आ गया स्कूल से, आज मैंने सुबह का कुछ भी नहीं दिखाया त्यौहार बनाते हुए, क्योंकि गौतम को भी जल्दी स्कूल जाना था और मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो उनको भी डॉक्टर के पास जाना था। उन्हें सुबह सुबह जाना था खाली पेट, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह था तो गए हुए हैं वहाँ। मैं और गौतम है घर में, अभी गौतम को लेके आ गए स्कूल से। आज इसकी स्कूल से छुट्टी हो गई थी 10 बजे, तो मैंने इसको तैयार कर दिया, स्कूल के कपड़े चेंज वेंज करा दिए हैं। त्यौहार भी मैं बन चुका था सुबह ही। अभी मैं उसको चढ़ाती हूँ जौ, जो हमारे पहाड़ियों में चढ़ाते हैं, जौ के पेड़ होते हैं जो, उसको चढ़ाते हैं बच्चों को, मतलब बड़ों को, सबको चढ़ाते हैं जौ। और जौ के पेड़ जो होते हैं उसको दहली में भी लगाते हैं, मतलब दहली के जो दरवाजे होते हैं उसमें लगाते हैं गोबर के साथ, उसमें टीका लगा के, चावल लगा के, तो उसको लगाते हैं हमारे पहाड़ियों में। तो हम तो नहीं लगा सकते क्योंकि हम यहाँ रेंट में रहते हैं और यहाँ कोई ऐसा मान वो भी नहीं है ज़्यादा। अगर गाँव में तो हम लगाते थे। अभी मैं गौतम को चढ़ाती हूँ जौ और फिर मैं दिखाती हूँ आज त्यौहार में हमने क्या क्या बनाया था सुबह। जल्दीबाजी हपड़ी तपड़ी में कुछ भी नहीं दिखा पाई मैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गौतम को जौ चढ़ाते हुए। अब मैं गौतम को चढ़ाऊँगी जौ, तो मैं जौ लेके आ गई हूँ मेरे जौ के पेड़। यहाँ हमारे सामने में रहते ना, उनके खेत में और खेत, तो मैं वहाँ से तोड़ के लेके आई हूँ जौ और टीका विका लगाऊँगी गौतम को। गौतम की दादी ने भी अभी गौतम को जौ नहीं चढ़ाए हैं, वो भी सुबह सुबह हॉस्पिटल चले गई, तो मैं चढ़ाती हूँ उसको जौ। ये भी स्कूल चला गया था। गौतम बोलो हाय। हाय। हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे। जी रे, जग रे, भेटने रे, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं ऐसे ही चढ़ा रही हूँ। पांच बड़ा चढ़ाते हैं इसको। जी रे, जग रे, भेटने रे। तो मैंने इसको चढ़ा दिया है जो, अब मैं इसको दूंगी पैसे। पैसे मैंने जेब में रखे थे तुम्हारे, ये रहे पैसे। तो मैं इसको पैसे दूंगी जो चढ़ाने के बाद, देते हैं लड़कियों को भी। चलो गौतम, मैंने त्यौहार बना रखा है तो मैं त्यौहार अभी दिखाती हूँ आपको, गौतम को खिलाती हूँ। मैंने भी नहीं खाया और तो खा के चले गए थे सुबह, मैं और ये साथी में करते हैं अभी खाते हैं। देखिए गाने की आवाज़ कितनी ज़ोर ज़ोर से आ रही है, सुनाई दे रही होगी, वॉल्यूम इतनी तेज़ हो रखी, इतनी तेज़ कर रखी है, यहाँ तक सुनाई दे रही होगी। आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया है, आलू के गुटके बनाए हैं, पूरी बनाई है और खीर बनाई है। तो मैंने एक ही प्लेट में लगा दिया खाना, गौतम और मैं एक ही साथ खा लेंगे। और ये गौतम की सब्जी है, मैंने कटोरी में रखी है बिना मिर्ची के, ये मिर्ची वाली है। अब हम खाते हैं, गौतम को भी भूख लग रही है। गौतम भूख लग, गौतम तो पार्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गया। गौतम खड़ा होता जब, देखिए गौतम पार्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गया है। तो मेरा कोई अभी पक्का नहीं है, अभी देखते हैं क्या होता है, हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा तो फिर उसी के बाद पता चलेगा जा पाते नहीं जा पाते। लेकिन गौतम जाएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। गौतम हो गया था पार्टी में जाने के लिए, मैंने उसको तैयार कर दिया था। तो जैसे ही वो अपने ये बाइक में बैठा, मेरा बाइक इसकी, जैसे इसमें बैठा था इसका पैजामा फट गया। ये रहा गौतम, कैसा लगा पैजामा फट गया? तब मेरे पीछे पड़ा है, मम्मा सिल दो, और मैंने कहा दूसरा पहना देती तो नहीं मानना, मेरे को यही पहनना है बोला है। तब मैं इसको सिलती हूँ, मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही है उसको देख के। हैं, दूसरा पहनेगा? नहीं सिलू इसको अभी, दूसरा पहनेगा, किसी को पहनेगा, सच्ची सच्ची बता। इसको, 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 इसको। चलो ऐसे चले जा, तू देखो ऐसे भी तो अच्छा लग रहा है, ऐसे चले जा प्लीज, ऐसे चले जा, अच्छा तो लग रहा है ना। क्यों ऐसे क्यों नहीं जाएगा, ऐसे क्यों नहीं जाएगा, ऐसे क्यों नहीं जाएगा, ऐसे पैजामे में चले जा ना, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, आ जा पैजामे में ही चले जा।
चले जाना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? मैं जाऊंगा। मैं हल्द्वानी के विवेकानंद हॉस्पिटल में आ रखा हूँ। मेरा भाई जो मेरे गांव में निहाल से आए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और मामी जी यहाँ बैठे हुए हैं और ये है हॉस्पिटल। भैया जी कैसी तबीयत है आपकी? अभी ठीक है बोल रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ रखा है इनको। ये तो अभी कैसा स्वास्थ्य हो रहा है अभी आपका? ठीक है, अच्छा। अच्छा कितने बजे पहुँचे आप? कल रात 8 बजे विवेकानंद हॉस्पिटल। हाँ ये देखिए, तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा देखिए खाली वीडियो नहीं बना रही हूँ। अरे के चलो करो करो, देखो ये तैयार हो के आगे पार्टी में जाने के लिए। दीदी को तो आप जानते ही होंगे, गौतम की मम्मी की गौतम की मम्मी की दोस्त, गौतम के दोस्तों की दोस्त मम्मी है। तो देखिए इनको, चलो करो करो, वहाँ गाना बज रहा है, यहाँ इनका डांस हो रहा है। मारो ठुमके। कौन सा गाना? चलो 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 करो करो करो, हिला दो थोड़ा। इनको अभी गाना समझ में नहीं आ रहा है। अरे करो, ये तो खड़े हो गए जैसे मैंने फोन स्टार्ट करा था। ये देखो, ये गाना समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर में मैं अपने फोन में लगाऊंगी, फिर दिखाती हूँ उनका डांस आपको। सब तैयार होके जाने लग गए हैं पार्टी में। ये सामने वाली दीदी है, हाय बोल दो। कहाँ जा रहे हो? बता दो। पार्टी में तो गौतम वो है। और देखिए गौतम के अलग ही कारनामे चल रहे हैं। काफ़ी भीड़ हो रही है, जाने वाले जा रहे हैं। मम्मी भी हो गई है तैयार, मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो देखिए फिर है ना, हम सब तैयार, आप सब भी चलो, सबको लेके चलते हैं। बच्चे का ये देखो, सबका ध्यान उधर ही है, सब चलते ही हैं। मम्मी लोग भी हॉस्पिटल से आ गए थे, हॉस्पिटल तो गए थे लेकिन आज हॉस्पिटल बंद था रिपब्लिक डे की वजह से, इसलिए घर वैसे ही आ गए। अब कल जाएंगे हॉस्पिटल, अभी तो मैं तैयार हो चुकी हूँ वहाँ जाने के लिए। तो जा रहे हैं हम सब, सब जा रहे हैं। देखिए तो मिल, चलो आपको भी लेके चलते हैं। हाँ ये भी तैयार हो गई है अंजु दीदी। हेलो गाइस, पार्ट में पटाखा लगे, पटाखा लग रहे हैं। अब हमारे बारे में तो सब तैयार हो चुके हैं, देखिए सब जा रहे हैं। आरू को भी दिखाती हूँ मैं। आरू तो सब जा रहे हैं तैयार होके, पड़ोसी हम भी चलते हैं। हम तीन ही जने आ रहे हैं घर को। उन लोगों ने हमसे बोला तुम जाओ, हमने बोला घर चलो। तो अब कैसा लगा खाना बताओ? कैसा बना था? टेस्टी। हाँ देखो, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कौन सी कैंडी बोलते हैं इनको? कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी वाले भैया भी बैठे दिख रहे हैं, पता नहीं दिख रहे नहीं दिख रहे। हम जा रहे घर।
अभी बज रहे शाम के 6, तो मैं बाहर पे घूमने के लिए आई हूँ। और आज पंचमी का त्यौहार है जैसे कि मैंने बताया था, तो आज से दिन भी बढ़ गए हैं, दिन भी बढ़ जाते हैं कहते हैं, हमारे उधर बोलते हैं 5 घड़ी दिन बढ़ जाते हैं आज से। और बस आज की वीडियो मैं इधर ही पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में नए दिन के साथ। तो गाइस बाय बाय।